वो देखो रो रहा है वो। भाई साहब बेटा बस आ रहे अभी आ रहे मैं बता रहा हूँ आ रहे अभी आ रहे अभी आ रहे मैं जा रहा हूँ इसीलिए। गाइस अभी पता है क्या हुआ, मैं निकल ही रहा था और मैं कहाँ निकला था ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मुझको देखो एक बर्ड मिल गई जो यहाँ पे आके बैठी हुई थी, इधर पे आके नीचे गिर गई थी। पता नहीं किसी ने अटैक किया है इसको या क्या किया है, तो समझ में नहीं आया मुझको क्या किया जाए। तो मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया और खाना और पानी यहाँ पर रख दिया है, पहले इसके ऊपर रखा था बट फिर मैंने उसमें रख दिया है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, फिलहाल तो अभी मैं काम से निकल रहा हूँ तो आके इसको देखते हैं क्या सीन होता है। हो जाएगा भाई साहब ने अपना फ़ोन गिरा दिखाओ, जरा फ़ोन दिखाओ, फ़ोन क्या हाल दिखाओ। भाई साहब ने जेब में रख लिया था लोवर की, उसमें अभी इसका स्क्रीन अलग पलट गई है क्या यार, इसलिए मैं ये बैग कैरी करता हूँ, इसमें ला के रखता हूँ। ये जिंदा है, ये देखो ये जिंदा है, बज रहा है फोन, बज रहा है भाई साहब, मान गए भाई, मान गए भाई साहब। अब बोलते हैं कि हम इनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं, मजाक उड़ाने के काबिल हो तुम, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं कहीं गया था सुबह के टाइम पे, जा रहा था कुछ काम के लिए, काम ये था। फिर से स्वागत कीजिए आप सबके चहेते, पहले खाने पे फोकस। बहुत टाइम के बाद फिर से आप सभी के सामने पेश हैं सामान थोड़ी त्रिपाठी जी, ये लेकिन त्रिपाठी जब भी आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खाते हुए इनकी व्लॉग स्टार्ट होती है हमेशा। पंडित आदमी खाएगा नहीं तो जाएगा कहीं। तो भाई त्रिपाठी जी आए हैं, तो भाई अब खाने में हम लोग का बना है मैगी चौकोस। ये भाई साहब तो पेट पूजा पहले ही कर चुके हैं, तो ये बस सिर्फ अभी मैगी मिलेगा उनको, वो भी थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है, जरा सा बाल कटा के आया भाई। और भाई साहब का फोन जो है देखो ये जिंदा है भाई, मतलब इसकी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन दिखाया उसमें वीडियो बनाई है मैंने, तो भाई चल रहा है ये, खैर इसको अभी करते हैं। और एक और चीज़, खूब सारी खुशियों के बीच में छोटी सी एक बैड न्यूज़ भी है, जो मैंने भी दिखाया था कि हम निकलते वक्त एक चिड़िया आई थी हमारे वहाँ, जिसको हमने साइड रखा था, पानी वानी पिलाने की कोशिश करी थी और खाना भी दिया था, बट अफसोस अभी आए तो वो मर गई है, मतलब नहीं बची, आई डोंट नो क्या हुआ। पानी भी दिया था मैंने उसको, खाना भी दिया, सब कुछ दिया था, लेकिन शी इज़ डेड। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगा और इसको नीचे तक आके आ जाऊँगा, नीचे यहाँ पर पार्क है तो थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डालूंगा, बिकॉज अगर मैंने ऐसे ही फेंका तो कुत्ते बिल्ली वगैरह आते हैं तो वो खा जाएंगे, इससे अच्छा कि कहीं पर दफना के रख देंगे अंदर, दैट विल बी अ गुड थिंग। चलो हमने अपने से ट्राई किया यार, शायद यहीं पर आके उसको अपने प्राण देने होंगे जो भी है। भाई फाइनली हमारा भी हुआ है आज फ्रेंड्स रीयूनियन, जो कि यूट्यूब पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो चलो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू टारा। हाँ बड़ी, हाँ बड़ी बड़ी, हाँ बड़ी, कितना खुश हो जाता है। बस बेटा बस उसको ब्लॉगिंग कर ले बेटा, बस
हाँ तो भाई चलो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो है भाई सबसे फेमस, अब आप मिल चुके हैं, तो ये है हमारे एडी, ये है एडी, ये टेकन वाला एडी है, टेकन वाला एडी गुरेगो, और साथ में है एडी के, एडी के भाई एडन कुलजोत सिंह एडन, इनको कौन नहीं जानता भाई, इनको हर कोई जानता है, जो मुझको जानते हैं वो इनको जानते हैं। त्रिपाठी जी तो भाई फेमस है ही, और ये है हमारे सेंसेशन। तो आइए, आज हम आए हुए हैं घर पे हमारे प्राजल भाई के सर, आपने इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात है। हम लोग वैसे अचानक से बस पहुंच गए, इनवाइटमेंट कुछ नहीं किया गया, और ये भाई साहब आए हुए हैं चंडीगढ़ से, बहुत दूर से गाड़ी चला के आए हैं भाई, परदेश से आए हैं, परदेश से जा रहा है भाई, वो परदेश जा रहा है लड़का, यहाँ कॉलेज ने रोजगार कर दिया। ये देखो ये बंदा फर्स्ट ईयर से लेके आज तक कॉलेज को गाली ही दे रहा है भाई, मतलब क्या चाह रहे हो तुम। एडी भाई को सिर्फ त्रिपाठी जी ही पसंद आए हैं, बोलते ना अपनी बस वही चीज है, अपने लोगों को पहचान जाते हैं डॉगी, लेकिन बोलते हैं कि जो जिस इंसान को डॉगी प्यार करता है इसका मतलब कि सच में गुड बॉय है। ये तुम पता लोग का डायलॉग बोल रहे हो। एडी को सबसे ज्यादा पसंद आ गई भाई त्रिपाठी जी, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं एडी, तब से हिल ही रहा भाई वहां से, ट्विटर लगा लेना वो वाला जो आता नहीं है वो, अरे नहीं नहीं वाला नहीं जो कहते आई एम ऑन शुगर क्रश वाला, आई एम ऑन शुगर क्रश, आई एम गोना फकिंग कैश, मे बी आई शुड टेक अ बैथ, कम ऑन फकिंग ब्रेन टू हैव पुरानी डायरी, पुरानी जब वो बनती थी वीडियो वगैरह, मम्मी पापा के डायरी बैठ गया, हाँ आधा नीचे आधा हवा में, छेड़ो मत, छिड़ गया ना वो छिड़ गया ना, अगर ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं और एक घंटे का समय लेके आए, बताओ, और ऐसे ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं पारिवारिक कंटेंट। अब हम कह रहे हैं भाई एक घंटा बैठे हैं, चलो अभी तक तो बातें हुई थी कॉलेज वाले टाइम की, तो पुरानी बातें, हम कह रहे हैं थोड़ा सा बैठ जाओ थोड़ी देर और कुछ हमको ब्लॉग के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब बैठना ही चाह रहे हैं, बोले हमको जाने दो, हमको जाने दो। किससे मिलने जाना है तुमको ये बताओ पहले, तुम घर जाना भाई, थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अच्छा सही में कहाँ जाना है तुमको? घर जाना है, मम्मी बुला रही है। लास्ट कॉल किसका आया था दिखाओ जरा, इतना कॉन्फिडेंट, मम्मी के नाम से सेव कर लिया क्या? भाई ने इतना अच्छा सीपीयू बना रखा है, सोच रहा हूँ कि ले चलूँ इसको यहाँ से, अपने उस पर लगा के मस्त एडिटिंग वेडिंग किया करेंगे, काम करना क्या इसका करोगे, क्या तुम क्या करोगे इसका ये बताओ, गेमिंग तुम खेल बाहर निकाल के इसमें डाल लें, कुछ पार्ट उसमें डाल लें, उसमें क्या करोगे, क्या मतलब उसका कुछ करने का, गेम के लिए कौन सा गेम खेलते हो तुम अभी? कुछ अभी बनाना है, अभी बहुत काम बनता है। ओह माय गॉड, देख लो भाई गेमर आने वाले, फ्यूचरिस्टिक गेमर, और गेमिंग चैनल ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, तो फिर हमको प्रमोट करोगे भाई। भाई ने देखो सबको सेटअप वेटअप लगा रखा है, वो है कैमरा है, स्पीकर देख रहे हो, सराउंड साउंड फुल लैन बना के पीछे भी लगा दो, जियो फाइबर भी चल रहा है पीछे, सही है, एक नंबर लड़के। वही बोल रहा हूँ, अब देखो भाई आप बताइए, 11th 12th में पढ़ने वाला बच्चा जो कि जिसकी फिजिक पतली सी है, छोटा सा बच्चा है, उस पे बुलेट बाइक कैसे लगेगी? नहीं लगेगी अच्छी, बाप रे बहुत बड़ा, वो देखो रो रहा है वो भाई साहब, बस बेटा बस आ रहे, अभी आ रहे, मैं बता रहा हूँ आ रहे, अभी आ रहे, अभी आ रहे, मैं जा रहा हूँ इसीलिए। हाँ तेरे जाने का दुख है उसको। तो भाई हाँ मैं वही बता रहा था कि भाई 11 12 का छोटा सा बच्चा उस पर इतनी बड़ी बाइक कैसे लगती है, अजीब सी लगती है। छोटी करवा देते थोड़ी उसमें क्या? इसीलिए नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट थी भाई। और
भाई गाड़ी में तो दम है और सब चला रहे हैं, लेकिन लेकिन इसको चलाने का मतलब है कि इसको इसको सिर्फ 40 से 50 में चलाओ तो मजा आए, तेज चलाने में फिर तेज चलाने में तो अपनी मस्त है, धीरे धीरे चलाने में जो फील आ रही है ना बिल्कुल जैसे मतलब हाँ भाई कबीर सिंह वाली। चलो पॉली बाय बाय, फिर मुकालात करते हैं जल्दी, इस बार चंडीगढ़ आएंगे हम। किसी को भी हमको ज्वाइन करना है चंडीगढ़ के ट्रिप में तो भाई चंडीगढ़ में फ्री अकोमोडेशन प्लस फूडिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कुछ ट्रैवलिंग भी है, ट्रैवलिंग भी है। हाँ ट्रैवलिंग भी भाई, गाड़ी मिल जाएगी भाई, मिलेगी इनको, मिलती नहीं हमको मिलेगी गाड़ी। चलिए हम आपके साथ, 11 सा मौसम हो रहा था लेकिन अब हल्की हल्की बारिश आ गई है, बहुत टाइम के बाद बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, मजा आ रही है। मैं दिखला रहा हूँ, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो फीलिंग तो अच्छी ही है, कीचड़ हो रहे हैं। मैच चल रहा है भाई, इसी मैच को रोज दिखाते हैं ब्लाइंड बीस्ट। तो भाई बारिश तो खूब ज़्यादा हो गई, तो अब हम सोच रहे हैं कि चलो तब तक चाय ही पी ले जाए, जैसे चाय मिली बारिश कम हो गई और साथ में चाय के साथ क्रीम रोल जो भाई साहब नहीं खा रहे तो मैं खा ले रहा हूँ अकेले अकेले। लेकिन मौसम बड़ा प्यारा हो गया अब, अब थोड़ा अच्छा, अभी तो ह्यूमिडिटी थी क्योंकि बारिश खूब हुई फिर धूप आ गई थी तो ह्यूमिडिटी हो गई, अभी थोड़ा ठीक हो गया। हाँ तो भाई लोगों, भाई अभी हो गया है काफ़ी लेट टाइम, नहीं काफ़ी लेट नहीं हुआ वैसे, अभी 10 बजने वाला है। तो भाई आ गए थे यार हम लोग घूम फिर के, और जैसे मैंने बताया था कि मैंने फ्लैश लाइट का यूज़ किया था। हाँ चलो फ्लैश लाइट तो चली गई मेरी, कोई बात नहीं। मैं बैठा था एक्चुअली एडिटिंग पे और अभी एडिटिंग स्टार्ट ही की थी, 1:23 हुए हैं। एक्चुअली लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, फिर से कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने अभी इसको फिर से ठीक किया है। लैपटॉप हैंग नहीं कर रहा था एक्चुअली, जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा वो कर रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था कि सब कुछ दिखाई दे रहा था लेकिन जो सीक्वेंस है और जो साइड में जो ये विंडो आती है साइड वाली, तो वो चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं हो रही थी जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो फाइनली एक घंटे में वो रिजॉल्व हुई, कैसे कैसे यूट्यूब से मैंने हेल्प लेके उसको ठीक किया, और अब जाके जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया तो वे लोग खाना लेके आ गए हैं, और खाना भी आज हमारे बाहर से आया, फिर से कुछ बनाया नहीं है, रोटी और दाल है, दाल रोटी खाएंगे जिंदगी संग बताएंगे। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो, वीडियोस को शेयर कर दो, और नए होगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। विद दैट सेड मिलेंगे फिर से कल को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने अपने घर वालों का भी। बाय बाय।